Hi everyone, welcome back. So guys, when it comes to watching videos related to RBI Grade B on YouTube, आपने बहुत सारी videos देखी होंगी, बहुत सारे घंटों तक की videos देख दी होंगी, but you might not have noticed one thing, कि जो सबसे ज्यादा videos आप देखते हैं या सबसे ज्यादा व्यूज जिन वीडियोस पे होते हैं वो होते हैं टॉपर्स स्ट्रैटेजी वीडियोस. वी आर सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, वी वांट टू एम्युलेट देम बिकॉज वी वांट टू बिकम लाइक देम. वो क्या करते थे, क्या पढ़ते थे, कौन सी किताबें पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे, वी जस्ट वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट देम एंड एम्युलेट देम. तो इस वीडियो में उसी से रिलेटेड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टॉपर्स टाइम टेबल. ठीक है, जिन भी टॉपर्स से मैंने बात की उनसे जो भी सीखने को मिला, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. और ये थोड़ा यूनिक होने वाला है, वो घिसी पीटी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा. सो प्लीज लिसन टू दिस वीडियो टिल द एंड, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. सबसे पहले बहुत सारे मेंटर्स, मैंने भी ये बहुत बार बताया है दैट नो द टाइम टेबल फॉर सक्सेस इज दैट यू वेक अप अर्ली, यू मेडिटेट, यू ईट हेल्दी, यू एक्सरसाइज, यू स्टडी इन फोकस ब्लॉक्स. Well, it's really good if you are able to execute that. But the problem is, ये theory में अच्छा लगता है, but implementable बहुत कम रहता है. Most of the toppers, if you talk to them, बहुत ही rarely ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बिल्कुल कुछ ऐसा schedule follow किया हो. और मैं आपको एक बहुत ही interesting personality के बारे में बताऊंगा. I came across this personality while I was reading something. Hunter Thompson, right? He was a very famous journalist. He was pioneer of the Gonzo journalist movement. You can know more about him on Google. But ये बहुत interesting है. So ये बहुत famous journalist थे, ठीक है. लेकिन इनका schedule बहुत erratic था. He used to wake up at 3 p.m. in the afternoon, and after that his lunch, his dinner was like no ganja, charas, alcohol, all that. And ये लिखना शुरू करते थे रात को 12-1 बजे till 5 a.m. the morning. तो the point I'm trying to make is not के alcohol, drugs से आप अपनी performance enhance कर सकते हैं. The point I'm trying to make is कि कोई भी ऐसा फिक्स्ड शेड्यूल टाइम टेबल नहीं है कि मुझे यही फॉलो करके बस सक्सेस मिल जाएगा, नहीं. एंड नाइदर देर इज नो एनी ट्रिगर इन मेडिटेशन और एक्सरसाइज दैट विल टेक यू टुवर्ड्स सक्सेस. दे कैन डेफिनेटली हेल्प, बट द रियल ट्रिगर विच कैन डिफाइन योर सक्सेस हैज टू बी दैट बर्निंग डिजायर इनसाइड यू टू लीव बिहाइंड समथिंग वर्दी इन दिस वर्ल्ड. और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगा अनमोल नरूला का. भाई ये काम करते थे एसबीआई में, इनकी वाइफ करती थी आरबीआई में, बोथ वर एट डिफरेंट लोकेशंस. ही न्यू दैट द ओनली चांस दे कैन लिव टुगेदर इज दैट ही क्लियर्स आरबीआई ग्रेड बी. ही हैड अ पर्पस, उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर आ चुकी थी. और उसके बाद उनको जब भी टाइम मिलता था, इवन व्हेन ही यूज्ड टू ड्रॉप हिज वाइफ एट द एयरपोर्ट, लाइक कभी कभी वो आते थे, वो अपने करंट अफेयर्स कार में सुनते जाते थे. Even while traveling to his job, he always used to listen to the current affairs videos or some other videos. Break mein time mila to sun liya. Koi schedule nahi tha, but unka matlab unko pata tha ki ab mera padhne ka man kar raha hai, mere andar jigyasa aa rahi hai, to wo padh lete the. So that is the point I'm trying to make, jo aapko bahut clear hona chahiye ki koi aisa timetable banane ki koshish mat kijiye ki yahi perfect timetable hai, kyunki timetable kabhi follow hota hi nahi hai. और इन डिफरेंट टॉपर्स से बात कर अनमोल हैं, पलक हैं, चंद्रेश हैं, शुभम हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं. वट एवर इंस्टेंसेज आई हैव टॉक्ड टू देम, एक चीज बहुत क्लियर है कि कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि भैया ये टाइम टेबल है टॉपर का, ये है फेलियर का, ऐसा कुछ नहीं. सबके यूनिक तरीके हैं, सबने अलग अलग तरीके से पढ़ा है, बट वन थिंग इज कॉमन जो इन्होंने बताई है कि भैया जब आपका मन करे ना तब पढ़ो, सुबह, रात, दोपहर, जब. ऐसा नहीं है कि यही टाइम बेस्ट होता है. एंड योर बॉडी विल टेल यू दैट विच टाइम सूट्स यू. और अगर वो आपको नहीं पता लग रहा है, इसका मतलब आपने अभी तक ट्राई ही नहीं किया पढ़ने का, ये फैक्ट है. तो इनसे बात करके मुझे कुछ 4-5 प्रिंसिपल्स पता लगे हैं टाइम टेबल, अच्छा टाइम टेबल होने के, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. आप उसको प्लीज नोट कर लें, ट्राई टू अप्लाई इट. Result positive or negative, but you will be able to give your best shot if you apply those principles in your timetable. तो पहला principle है 2 subjects at a time. Many times I've seen is कि हम बहुत सारे subjects को इकट्ठा शुरू कर लेते हैं, finance भी, management भी, ESI भी, quant भी, reasoning भी, because we are in so much of hurry and we are in so much of excitement. आपको 2 subject पढ़ने हैं, this is called art of doing limited things. Focus on those 2 subjects. वो 2 सब्जेक्ट इज योर अल्टीमेट टारगेट इन द नेक्स्ट 2 or 3 मंथ्स, वट एवर योर टाइम टेबल सेज, एंड जस्ट टेक देम ऑफ इन दोज 2 मंथ्स. दैट विल गिव यू इमेंस सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन
for your next cycle, that is picking up another two subjects. So by reading so many subjects, you might feel satisfied at the start, but you will just be busy. You will not be productive. The goal is to be productive. The goal is to finish off certain subjects and then move on to other subjects. So ye principle yaad rakhiyega. Maximum toppers ne ye principle follow kiya hai. Aap bhi isko follow kijiye. The second is integrated preparation for phase 1 and phase 2. So many students come to me and say, sir, pehle phase 1 padhe, phase 2 padhe. Dekhiye, there was a time when it was clear cut, that focus has to be given on phase 2 because it was something which decides your merit. But over the last 3 years, we have seen that phase 1 is literally becoming very tough. Almost 98% people are getting chucked out in phase 1 itself. And I've seen many, many deserving candidates in ki achhi tarah se phase 2 ki tiyari thi, achha khasa aptitude hai. Just because lack of practice or maybe some immense pressure they are taking in the exam, wo phase 1 mein hi cut rahe hain. So here the respect has to be given to both phase 1 and phase 2 equally, and therefore you need to do an integrated preparation. Both has their own importance, right? Dono ka apna importance hai bhai. Phase 1 nahi clear hua to phase 2 ki taiyari bekar hai, aur agar phase 1 clear ho gaya aur phase 2 ki taiyari nahi hai to phase 1 clear karna bhi bekar hai. So integrated preparation hona chahiye, two subjects a time hona chahiye. Maybe you can make a timetable something like this. Right, you divide your time into blocks. Agar aapke paas jaise abhi 9 mahine hai, like 8 months, whatever you have, you divide it into blocks of 2 months or maybe 1 block of 3 months, another of 1 month, whatever, like wo aapko decide karna padega. And say management reasoning in block 1. I'm just giving you an example. Quant finance in block 2, ESI English in block 3. So what we are doing is, again, as I told you, two subjects at a time, right? And phase 1 and phase 2, we are going in an integrated manner. Of course, you can now just make it as per your strengths or weaknesses. Agar aapka quant reasoning bahut acha hai, maybe aap pehle phase 2 ke subjects utha lijiye, but quant reasoning ko thoda weekend pe keep practicing so that you have that reality check ke paper kaisa aa raha hai. Theek hai? So, ye ek sample hai, but you can just now customize it as per your need, but just follow those two principles. The third one is revision. Make it a part of timetable. Now, normally when we make a timetable, we make it like this only, right? We never keep time for revision. But trust me, I think if reading, understanding is like 50% of your overall preparation, I would say rest 50% is revision. Jitna marzi padh lo, jab tak wo cheezein aapko retain nahi rahengi, there is no use of reading anything. So, अपने टाइमटेबल में ही रिवीजन के डेज डालो, कंपोनेंट्स मतलब डिफाइन करो कि ये टाइम मुझे रिवीजन करनी है. एंड देयर इज अ स्टडी व्हिच सेज कि आप 75% चीजें विद इन अ वीक भूल जाते हैं इफ यू डू नॉट रिवाइज देम. सो आई टेल यू अ गोल्डन रूल फॉर रिवीजन, दो इट इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, बट आई थिंक सारा पढ़कर कुछ याद ना रखने से अच्छा है कम पढ़ लो लेकिन उसको याद रखिए. Which is called 111 rule of revision, which is like whatever you read today, revise it the same day. Then do one revision after a week and then do the third revision after a month. 111. Same day, 1 week, 1 month. ठीक है, मुश्किल है, but I think अगर आप पूरा इसको नहीं करेंगे या at least partly भी इसको implement नहीं करेंगे, later you will realize कि पिछले 6 महीने में जो पढ़ा था बिल्कुल बेकार हो गया है. एंड मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ऑलरेडी रियलाइज दिस जो कि पिछले साइकिल में तैयारी कर चुके हैं. तो प्लीज इसका कुछ वर्जन आप इंप्लीमेंट कीजिए, बट रिवीजन पे जरूर फोकस कीजिए. लाइक यू कैन कीप एवरी डे हाफ एन आवर, 1 आवर फॉर रिवीजन, एवरी संडे फॉर रिवीजन, देन द लास्ट 2 डेज ऑफ द मंथ फॉर रिवीजन. इससे आपको एटलीस्ट कुछ रिवीजन करने का मौका मिलेगा, कुछ बफर मिलेगा. एटलीस्ट इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट समथिंग, वही पूरा कर लेंगे, लेकिन रिवीजन के लिए ब्लॉक्स में टाइम रखिए, बहुत जरूरी है. एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज अगेन मेक आंसर राइटिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल. नॉर्मली वेन वी मेक टाइम टेबल, जैसे मैंने दिखाया, हम ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं कि हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, फाइनेंस पढ़ेंगे, ESI पढ़ेंगे. वी नेवर कीप सेपरेट टाइम फॉर आंसर राइटिंग. और यहां पे आप मानिए ना मानिए, सिंस 200
out of 300 in your phase 2 is answer writing. You cannot just run away from it. And this is not something which is easy. This is a skill-based thing. ये आखिरी 10 दिन में आप नहीं समझ पाएंगे. और आई एम नॉट आस्किंग यू मच, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आप हाफ एन आवर डेली, चलो ये भी ज्यादा है, समझ लिया हाफ एन आवर नहीं है सर, हाफ एन आवर ऑन ऑल्टरनेट डेज ये भी ज्यादा है, तो एटलीस्ट 1 hour ऑन दी वीकेंड्स, एटलीस्ट दैट मच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट ऑन रेगुलर बेसिस टू मेक दिस स्किल योर स्ट्रेंथ. और अगर आप ये आधा घंटा डेली दे पाए ना फॉर नेक्स्ट लाइक से 270 days, इफ आई एज्यूम के 9 महीने हैं, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 150 hours. Right now, just think 150 hours of answer writing, 150 hours of precision, 150 hours of focus on answer writing. It will take you places. इतनी आदत पड़ जाएगी लिखने की ना, इतनी आदत पड़ जाएगी एग्जाम में लगेगा नहीं that you are not in habit of writing or you are writing something or you are doing something which you are not accustomed to. तो ये करो भैया, इतनी आदत डालो ना, इतनी आदत डालो कि एग्जाम में बिल्कुल मक्खन लगे आंसर लिखना. एंड द लास्ट पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे स्टूडेंट है ऋषिकेश, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ये फंडा समझाया था. दुनिया में कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो एक फिक्स शेड्यूल से चलता रहे चलता रहे चलता रहे, बहुत ही रेयर मिलेंगे. सो ऑलवेज लर्न टू रीस्टार्ट, देयर वुड बी मोमेंट्स यार, आप बीमार हो गए हैं यार, आपके घर में प्रॉब्लम आ गई है, कोई त्यौहार आ गया, कोई शादी आ गई है. And you cannot sacrifice everything in life. कई बार तो आपको उन चीजों को करना ही पड़ेगा. Your timetable will go for a toss. But उस moment पे बिल्कुल छोड़ने से अच्छा है you take a deep breath, you realize that ठीक है 3-5 दिन बर्बाद हो गए, 10 दिन बर्बाद हो गए, but still you can make up for it. Always learn to restart. और restart करने का पहला फंडा यही है that you make a new timetable. Because एक नया timetable मिलने से you will have your targets, you will have that confidence. That if I do like this, I will be able to complete. और अगर आप restart नहीं करेंगे, timetable नहीं बनाएंगे, you will be like, ठीक है यार, अभी पीछे तो रह गया हूँ, और पीछे चला जाता हूँ, कर लूँगा, notification के बाद कर लूँगा, देख लेंगे. That attitude is not a winner attitude. That attitude is not an achiever attitude. So learn to restart. It takes guts. It takes courage to restart. But restart. That will actually give new life, new lease of life to your preparation, जो कि कुछ दिन पढ़ाई ना करने से बिल्कुल डेड हो जाती. तो ये कुछ 5 principles हैं जो आपको समझने. और एक मोटी बात जो मैंने इस वीडियो में भी आपको बताई है, कोई भी स्टैंडर्ड टाइम टेबल नहीं है, कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड शेड्यूल नहीं है कि यही शेड्यूल एक टॉपर का शेड्यूल है. एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रेटजी, एवरीवन हैज देयर ओन टाइम टेबल, बट ये 5 principles आप फॉलो करेंगे तो आप जो भी टाइम टेबल बनाएंगे एटलीस्ट इट विल टेक यू टुवर्ड्स सक्सेस, towards the right direction. तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे. यू हैव टू टाइप बिलो दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, सर आई विल इंप्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स एंड आई विल कम आउट विद अ प्रॉपर टाइम टेबल. यू हैव टू टाइप दैट सर आई विल इंप्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स एंड आई विल कम आउट विद अ प्रॉपर टाइम टेबल. और जाते जाते जरूर बता दूं, वी हैव लॉन्च दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर आरबीआई मैनेजर विच यू कैन डाउनलोड बाय गोइंग ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. वहां पे एक लिंक है जहां पे आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं. इस गाइड बुक में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आरबीआई ग्रेड बी के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, सिलेबस पूरा डिटेल में मिल जाएगा. यू विल गेट अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ बुक्स एंड रिसोर्सेज आउट हियर. एंड नेक्स्ट इज अबाउट अवर कोर्सेज. सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर एनी असिस्टेड प्रिपरेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी, वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज फॉर आरबीआई ग्रेड बी जहां पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा. एवरीथिंग वुड बी कवर्ड फ्रॉम स्क्रैच. आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है अलॉन्ग विद दिस कोर्स. वी हैव गोल्ड पैक विच इज कवरिंग योर फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू. वी हैव अ सिल्वर पैक विच इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू, बट फॉर फेज 1 वी आर गिविंग जीए, वी आर नॉट गिविंग यू क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश. तो चेक दिस सैंपल मटेरियल, यू कैन गो टू द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. वहां पे जाकर आप सैंपल मटेरियल देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इफ यू आर एबल टू बिल्ड दैट ट्रस्ट इन अस, यू कैन ऑलवेज एसोसिएट विद अस. सो टेक योर लीव नाउ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय. एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो दिस वीडियो.